जिहड़ी है स्टूडेंट आज हम बात करेंगे दीगी कुदरती अशिया को एसिड बेस या न्यूट्रल अशिया में तकसीम करने की। हमारे पास रोज़मर्रा चीज ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मसलन कुछ एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, कुछ न्यूट्रल होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो चीज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, वो तेज़ाबी है, असासी है या न्यूट्रल है? हमें कैसे पता चलता है कि एसिडिक है? थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं। हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच मालूम करके ये देख सकते हैं कि दिया गया जो सोल्यूशन है या दी गई जो अशिया है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच कहते हैं और किसी एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को पीओएच कहते हैं। आपने थ्री के अंदर इनके फार्मूले देखे होंगे मालूम करने के, पीएच और पीओएच के। नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पीएच, व्हाइल नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन इज कॉल्ड पीओएच। तो आज हम बात करेंगे हमारे पास जो मुख्तलिफ अशिया दी गई है उसको हम कैसे मालूम करेंगे कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उनको हम तकसीम करेंगे। हमें जो सामान चाहिए सबसे पहले वो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हैं, पीएच पेपर्स, वमा पीएच चार्ट, चाकू और ये अशिया हमें चाहिए। केमिकल्स हमें कौन कौन से चाहिए जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? उनमें किन्नों का रस, किन्नों आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी हासिल करने के लिए। सिट्रिक एसिड भी होता है, हम देखेंगे कि वो एसिड हमें कैसे पता चलेगा, अभी हम इसको चेक करते हैं। नमक, साल्ट जो होता है अक्सर चीज़ों के ऊपर डाल के हम खाते हैं, ये भी हम देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है। सिरका एसिटिक एसिड है, खाने वाली अशिया में इस्तेमाल करते हैं। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम रोटीन में हमने देखा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ बैटरियों के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसे किंग ऑफ केमिकल H2SO4 भी कहा जाता है। सोया सॉस है, खाने वाली चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हैं। बेसिक है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, शुगर चीनी, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जब भी कोई मीठी चीज़ का नाम आता है तो सबसे पहले उसमें हम किसका जिक्र करते हैं कि ये चीनी वाली चीज़ है, शुगर वाली चीज़ है। खीर खाते हैं आप घरों में, चाय पीते हैं आप, शरबत बना के पीते हैं गर्मियों में खास तौर पर, उसमें ये चीनी इस्तेमाल करते हैं। लीची की बोतल आपने देखी होगी, पी होगी, बाजार से मिलती है, बड़े इंजॉय के साथ पीते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारे के लिए क्या असर करती है। पानी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, सॉल्वेंट भी है सबसे ज़्यादा हम पीते हैं, देखेंगे इसका क्या इफेक्ट है। उसके बाद क्या, कैसे आप पीएच मालूम करेंगे, तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। दी गई कुदरती अशिया या केमिकल के सोल्यूशन तैयार करें, जो भी हमारे पास जो चीज़ें दी जाएंगी हमें दी गई हैं उनकी हम सोल्यूशन तैयार करेंगे। सोल्यूशन तैयार करने के लिए दी गई अशिया के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद पीएच पेपर का टुकड़ा या एक छोटा सा पीस लेना है, हर सोल्यूशन के अंदर आपने डुबोना है और पीएच के जो पेपर में के रंग में तब्दीली आएगी उस रंग को आपने नोट करना है। फिर उस रंग का मुवाजना पीएच चार्ट से करना है और वहां से पीएच नोट करनी है, पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। अगर तो पीएच आपकी 1, 0 से लेके 6 के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब है जो दिया गया सोल्यूशन है आपका वो एसिडिक है, तेज़ाबी है। अगर 7 आ जाए पीएच तो वो न्यूट्रल है। अगर 8 से लेके 14 की रेंज में आ जाए तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक होगा। अब एसिड की भी रेंज है, कुछ एसिड होते हैं जिनकी पीएच 1 होती है, कुछ 2, 3, 4, 5, 6 तक। वो सोल्यूशन जिसकी पीएच 1 आएगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ताकतवर तेज़ाब जिसे कहते हैं। 2 वाला कम तेज़ाबी, 3 वाला उससे कम, 4, 5 वाला सबसे कम वीक एसिड होगा। इसी तरह जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस कहाँ से शुरू होती है, इसकी पीएच 8 से शुरू होती है, 8 वाली सबसे कमज़ोर बेस है, 9 वाली उससे ज़्यादा ताकतवर है, 10 वाली और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो बेस है वो जिसकी पीएच 14 हो। इन सब को हम वन बाई वन अब चेक करेंगे, मुशाहदात हम नोट करेंगे, जो जो अशिया हमें दी गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब यहाँ से हम पीएच का रंग यहाँ
चेक करके या नोट करेंगे और फिर पीएच चार्ट पर रंग का नंबर नोट करेंगे कि किस नंबर पे वो जो पीएच का रंग था वो चेंज हुआ है, एक है, दो है, चार है, पांच है, जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसकी बेस पे हम फैसला करेंगे खासियत के अंदर कि वो जो अशिया है जिसको हमने चेक किया है, जिसका नंबर अभी पीएच फर्ज करें एक आती है, हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ होगी, तजाबी चीज़ होगी, एसिडिक होगी। इस तरह अगर वो सात आ जाती है खासियत तो हम फैसला करेंगे ये क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरह अगर 14 आ जाती है हम कहेंगे ये असास है यानी बेसिक है। तो एंड में हम क्या करेंगे, नतीजा इसका निकाल देंगे कि दी गई अशिया को पीएच पेपर के जरिए एसिड बेस और न्यूट्रल अशिया में तकसीम किया। आइए हम लैब में चलते हैं और लैब के अंदर हर स्टेप को इंडिविजुअली परफॉर्म करके देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम मुख्तलिफ सॉल्यूशन तैयार करते हैं सबसे पहले, फिर उनकी पीएच मालूम करेंगे, उससे हम अपना ये जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है ये कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन है वो है ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी हम पीएच मालूम करेंगे। उसके बाद ये HCl का सॉल्यूशन मैंने भी आपके सामने रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये नमक है, सोडियम क्लोराइड है, इसका सॉल्यूशन है। अभी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगा, ये नमक इसके अंदर हल हो जाएगा, आप देख रहे हैं। NaCl, ये चीनी आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर, ये मिक्स होने के बाद अभी ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये सोया सास जो कि खानों के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं ये उसका सॉल्यूशन है। ये सिरका जो खाने वाले शिया में हम इस्तेमाल करते हैं ये उसका सॉल्यूशन तैयार है। ये मेरे पास एक ऑरेंज पड़ा है, माल्टा पड़ा है, ये बड़ा फ्रेश फ्रेश है, लाया हूँ, इसको भी देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। लेकिन इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका इसको पहले काटूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा लेंगे। ये देखिएगा, ये माल्टे का हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। इसके अलावा ये मेरे पास बिग इलायची कोल्ड ड्रिंक है, गर्मियों में बड़े शौक से पीते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या असर रखता है। ये तो सामान का तारुफ है, उसके साथ ये मेरे पास है जी स्टीनर हलानी ग्लास रॉड, जिसकी मदद से मैंने भी सॉल्यूशन को मिक्स किया है। स्पैचुला है जिसकी मदद से मैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास जिसने यहाँ पे काम दिखाना है वो है हमारा पीएच पेपर। ये देखिएगा पीएच 1 से लेकर 14 तक इसकी रेंज लिखी हुई है। इसको अगर खोल के देखें, दूसरी साइड से देखें तो आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, कलर चार्ट इसे कहते हैं। इसके ऊपर ये गिनती लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। हम यहाँ से ये पीएच पेपर यहाँ से उतारेंगे एक एक करके यहाँ से, और उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करते जाएंगे, और फिर उस सॉल्यूशन का जो कलर सॉल्यूशन से जो इसके ये पीएच पेपर के कलर में चेंज आएगी उसको यहाँ से हम मैच करेंगे पीएच चार्ट के साथ, यहाँ से नंबर नोट करेंगे, वो नंबर और वो कलर हम यहाँ से पीएच का रंग में जो चेंज आएगा यहाँ लिखेंगे, और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, उसकी बेस पे हम खासियत का फैसला करेंगे, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपके सामने पीएच पेपर है। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप बाई स्टेप हर सॉल्यूशन के अंदर इसका एक एक पीस डालता जाऊँगा। ये देखिएगा, मैं कुछ पीसी यहाँ से काट के रख लेता हूँ, निकाल लिया मैंने ये पीसीस, अब एक एक करके मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डिप। अब आप देखिए ये जो पीएच पेपर है एक एक करके मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करता जाऊँ। ये देखिएगा अचानक ये कलर में चेंज आ रही है, आप नोट कर रहे होंगे। तो मैं इसके साथ इस पे कलर को रखता जाऊंगा, बाद में सब इकट्ठे हम इनके कलर में जो चेंज आई उसको देख के पीएच से कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पीएच पेपर लेता हूँ, उसको दूसरे सॉल्यूशन के अंदर डिप करता हूँ। ये देखिए इसका कलर देखें, इसको भी इसके अंदर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं ताकि। उसके बाद ये तीसरा मेरे पास ये वाला है, इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये शुगर का सॉल्यूशन है, इसका देखिएगा कलर, इसको आप यहाँ पे रखो। उसके बाद अगला मेरे पास वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है,
इसमें डिप करते हैं और यहाँ पे रखते हैं और नेक्स्ट सोया सॉस ये देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एसटी केसर सिरका जिसे कहते हैं ये देखिएगा, इसके कलर में जो चेंज है इसको देखिएगा। उसके बाद ये ऑरेंज माल्टा ये देखिएगा और इसका कलर नोट करके हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जी बिग इलायची कोल्ड ड्रिंक, बड़े शौक से पीते हैं ये देखते हैं ये क्या करती है। ये देख रहे हैं कलर में चेंज आ रही है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा बिग इलायची के पास। तो ये थी जी मेरे पास मुख्तलिफ कुदरती अशिया, उनके मैंने सोल्यूशन तैयार किए, उसके अंदर पीएच पेपर डिप किया, उनके कलर में चेंज आने के लिए उनको एक दो मिनट के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे इनका एक एक कलर देख के पीएच चार्ट से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है किन्नो का रस, ये देखिएगा माल्टा। अब गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ये किस कलर के साथ ये ज़्यादा मैच कर रहा है। तो आई थिंक ये पीएच गौर से देखें तो ये 2 से 3, 2 के साथ मैच कर रहा है। ये जो माल्टा है इसकी पीएच हम कितनी लिखेंगे यहाँ पे जी, नंबर 2 है। इसका कलर देखिए कौन सा है, अगर हम इसका कलर देखें तो ये देखिए तो माल्टे लाइक ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है। तो खासियत इसकी क्या होगी, ये हमने बात अभी की थी 1 से लेकर 6 के दरमियान अगर पीएच आ जाए तो वो एसिडिक खासियत वाला सोल्यूशन होगा। तो ये क्या होगा एसिडिक, यानी तेजाबी। नेक्स्ट टाइम मेरे पास नमक का सोल्यूशन वो देखते हैं, ये देखिएगा नमक का सोल्यूशन है मेरे पास। इसकी पीएच देखिए तो ये तकरीबन इसका कलर जो है वो 7 से मैच कर रहा है, 7 के 7। ये वो नमक है जो रोजमर्रा ड्रिंक में हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है, पेशेंट भी बन जाते हैं, लिहाजा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। 7 पीएच है जी। और इसका कलर देखिएगा लाइट ग्रीन सा है, हल्का ग्रीन है, आप हल्का ग्रीन यानी हल्का सब्ज, ये इसका रंग है। और पीएच इसकी आई है हमारे पास नंबर है इसका 7 है और ये क्या होगा न्यूट्रल होगा, यानी तादीली, ना तजाबी है ना असासी है बल्कि ये न्यूट्रल है। तो ये देखिएगी आपके सामने जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सोल्यूशन था, हल्का ग्रीन इसका कलर आ रहा है, जब इसकी पीएच मैच की गई तो ये 7 नंबर पे मैच की गई, तो इसकी पीएच 7 आई हमारे पास, तो इससे साबित हुआ कि ये न्यूट्रल यानी तादीली सोल्यूशन है इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है सिरका एसटिक एसिड, इसका कलर देखते हैं। ये कलर देखिएगा ये तकरीबन आ रहा है इसका अराउंड 2 से 3 के दरमियान, ये देखिएगा अगर आपको सही बात नजर आ रहा हो, ये 2 आ रही पीएच इसके 2 से 3 के दरमियान है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे ज़्यादा जो के साथ देखें तो ये तकरीबन 2 है, 2 पीएच है सिरके के, 2 पीएच है। और इसका कलर भी आपने देखा है ये भी हल्का सा नारंगी है, नारंगी यानी ऑरेंज माल्टे की तरह इसका कलर है। और ये भी 2 पीएच है तो ये भी क्या हुआ एसिडिक। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है सोया सॉस, ये देखिएगा इसकी पीएच नोट करें तो ये भी आपके सामने तकरीबन 3 आ रही है, 3 के नोट को, हल्का नारंगी 3। और ये भी एसिडिक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारा स्टोमिक भी मैदा भी बनाता है, बाद दफा खाना नहीं दोपहर के टाइम हम खाते हैं अंदर से सिक्रीट हो रहा होता है, हमें मैदे की जलन हो रही होती है, तो इसको चेक करते हैं हम। ये देखिएगा ये एक्सीएल है,
इसकी देखो तो ये 1 BH है जी, ये चेक कीजिएगा, ये पिंक कलर आपको नजर आ रहा है मोस्टली HCl और 1 BH है pH 1 है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 BH है इसकी, ये भी एसिडिक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है मेरे पास, ये देखिएगा ये बना हुआ है, इसको नोट करें तो ये 14 के साथ ये तो बहुत ज्यादा डार्क पर्पल कलर आपको नजर आ रहा है, गहरा जामनी रंग आ रहा है और पी एच 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड गहरा पर्पल यानी जामनी, ये इसका रंग है, पी एच इसकी आ रही है 14 और ये इसका मतलब है कौन सा सोल्यूशन हुआ जी हमारे पास बेसिक यानी असासी, हमारे पास आ रहा है वाटर सिंपल वाटर, ये देखिएगा ये देखिए पी एच 7 के साथ इसका कलर मिल रहा है हल्का ग्रीन यानी कि लाइट ग्रीन कलर, हल्का ग्रीन यानी लाइट सरल रंग है और 7 BH है तो इसका मतलब है ये हुआ न्यूट्रल। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है चीनी का महलूल शुगर सॉल्यूशन, वो मेरे पास है जी, ये देखिएगा ये चीनी का सॉल्यूशन है, ये तो आपको काफी डार्क ग्रीन भी नजर आ रहा है, देखिए 9 BH आ रही है इसकी, 8 से 9 के दरमियान में, देखिए अभी ये ड्राई होगा ना असल कलर उसको शो होगा, उससे पहले हमें डाउट रहेगा दोनों कलर्स के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको 9 डार्क ग्रीन लेंगे, इसको शुगर को यानी कि गहरा सरल और पीएच इसकी 9 है तो इसका मतलब ये क्या है बेसिक है सासी है, ये भी बेसिक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास लीची की बोतल से हमने कुछ सैंपल लिया था, तो ये देखिएगा ये आपके सामने लीची की बोतल से लिया हुआ सैंपल है और ये इसकी पीएच आ रही है राउंड अबाउट 3 आ रही है, 3 pH आ रही है इसकी, तो 3 pH है तो इसका मतलब हल्का सा नारंगी रंग हमें नजर आ रहा है, हल्का नारंगी लीची को। और pH इसकी है हमारे पास 3 है तो इसका मतलब ये भी क्या है एसिडिक है। तो ये हमारे पास जी दिए गए जो मुख्तलिफ कुदरती अशिया थी उनको हमने पीएच पेपर की मदद से मुख्तलिफ अशिया यानी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल में तकसीम किया, एंड पे आप रिजल्ट में लिखेंगे कि दी गई अशिया को पीएच पेपर के जरिए एसिड बेस और न्यूट्रल में तकसीम किया। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल कि किस तरह हम दी गई कुदरती अशिया को एसिड बेस या न्यूट्रल अशिया में तकसीम करते हैं पीएच पेपर की मदद से। तो ये डियर स्टूडेंट आप देखिए कि जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इनमें कुछ एसिडिक है कुछ बेसिक है और कुछ न्यूट्रल है, न्यूट्रल अशिया जो होती है उनका हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, एसिडिक और बेसिक अशिया या हमारी बॉडी के ऊपर गहरा असर छोड़ती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम काम करते हैं स्टोमिक में काम कर रहे हैं जिस तरह आपने देखा है माइलेज है ट्रिप्सिन है लाइपेज है प्रोटीनेज है, ये मुख्तलिफ एंजाइम है जो खास पीएच के ऊपर काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको इन्होंने मेंटेन किया होता है, और अगर पीएच हमारी बॉडी की चेंज हो जाती है तो उससे वो एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, हमारे बॉडी की बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है ब्लड जिसे हम कहते हैं 7.34 अबाउट उसकी पीएच है, अगर वो पीएच चेंज हो जाती है 7.34 से 7 पे आ जाती है या 8 पे आ जाती है तो उससे भी इंसान की डेथ होने का खदशा होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो बायोलॉजिकल बफर कहलाता है, वो किसी भी थोड़ी सी अमाउंट में एसिड या बेस में अगर चेंज आ जाती है तब्दीली आ जाती है उसका एडिशन हो जाती है हमारी बॉडी में उसकी मिकदार बढ़ती है तो फौरी तौर पे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, पीएच में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत पेश करता है, तब्दील नहीं होने देता,
अदरवाइज अगर हम रूटीन में ये चीज़ें जितनी इस्तेमाल करते हैं एसिडिक या बेसिक, ये हमारे बॉडी की पीएच को वैसे ही चेंज कर दें जिससे हमारी बॉडी का सिस्टम ही काम करना छोड़ जाए। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है, उसने सिस्टम ही ऐसा हमारी बॉडी का बना दिया है कि उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के हमारे इस प्रैक्टिकल की समझ आ चुकी होगी किस तरह पीएच पेपर को इस्तेमाल करके हम अशिया को एसिड बेस और न्यूट्रल में तकसीम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, परफॉर्मेंस को आपने देखा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम फील हो बिना झिझक आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ ऐसे दोस्त भी आप भी होंगे जो प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर सकते या लैब की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उनके साथ शेयर करें। ये मैट्रिक लेवल पे ख़ास तौर पे ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है मैट्रिक के प्रैक्टिकल का, ताकि वो बच्चे जो अमली तौर पे नहीं कर सकते उनके लिए ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी जाए कि घर बैठे वो खुद इस परफॉर्मेंस को देख के खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पीछे मुख्तलिफ मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है, प्रैक्टिकल है। उसके बाद मैंने अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए सब्लिमेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। रेत और नेफ्थलिन के मिक्सचर को अलग करना, ये परफॉर्म किया है। इसके अलावा सॉल्यूशन तैयार किए हैं कि 0.1 मोलर 1 मोलर या एसिड और बेस के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलाइजेशन कलमे कैसे तैयार करते हैं, प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आपको लगती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो सारी की सारी वीडियोस की शक्ल में मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं मुहम्मद सलीम प्रैक्टिकल वीडियो चैनल यूट्यूब के ऊपर। और इसके अलावा आपके जहन में कोई ऐसा प्रैक्टिकल या कोई टॉपिक हो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी इस तरह शॉर्टकट वीडियो बना के आपसे शेयर की जा सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।